में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर। लंबे इंतजार के बाद, लगभग 500 सालों की इंतजार के बाद राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। जानकारी दे दें कि 22 जनवरी के दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है। इस समारोह का हिस्सा कई दिग्गज नेताओं के साथ साथ कई मशहूर हस्तियां भी बनेंगी। ऐसे में देखा जाए तो पूरे ही देशभर में कितना शानदार माहौल नजर आ रहा है। दरअसल पूरा ही देश इन दिनों राममय माहौल में दिखाई दे रहा है। राम भक्त अपने आराध्य की भक्ति में डूबे हुए हैं और पलक पावड़े बिछाकर राम मंदिर के उद्घाटन का पल पल इंतजार कर रहे हैं। इस इंतजार में नजर आई हैं उत्तर प्रदेश में यादव कुनवे की छोटी बहू बीजेपी महिला नेत्री अपर्णा विष्ट यादव। अपर्णा यादव का एक वीडियो सामने आया है जिस वीडियो में वह राम भक्ति में झूमती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो को अपर्णा यादव ने सोशल मीडिया पर साझा किया है जिसमें वो भगवान राम का भजन सिया राम जय राम गाती हुई दिखाई दे रही है। अपर्णा यादव का ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इस वीडियो में अपर्णा यादव पूरी तरह से राम भक्ति में झूम रही हैं। लोग उनकी मधुर आवाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि अपर्णा यादव लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं, क्योंकि बीते 15 जनवरी को जगतगुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य के 75वें जन्मोत्सव के मौके पर रामनगरी अयोध्या में अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम का हिस्सा भी वह बनी। और देखा गया है कि जिस कार्यक्रम का वह हिस्सा बनी, उन्होंने इस दौरान गुरु रामभद्राचार्य जी का आशीर्वाद लिया और एक राम भजन की प्रस्तुति भी दी। इस वीडियो को शेयर करते हुए अपर्णा लिखती हैं कि भगवान श्री राम जी की कृपा से गुरु जी को एक भजन भी समर्पित किया गया। तो फिलहाल देखा जाए अपर्णा विष्ट यादव का ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी दे दें कि जब से वह सपा से बीजेपी में शामिल हुई है तब से कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें जल्द बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी आलाकमान कहीं ना कहीं उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, लेकिन फिलहाल कोई बड़े संकेत नहीं मिले हैं। देखना होगा कि अपर्णा को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है या नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।